सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के समय फ्रेंड्स से बताने वाला हूँ, मेरे पास ICICI बैंक का माइन सेविंग अकाउंट का चेकबुक आ चुका है। मैं इसका करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। इस वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स ICICI बैंक का माइन सेविंग अकाउंट का चेकबुक कैसे आप इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। मैंने जैसे अकाउंट ओपन करा, इस 7 से 8 रोज के बाद मेरे पास चेकबुक बाई पोस्ट आ गया है। आज मैं इस चेकबुक को ले आया हूँ, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नहीं चैनल कर तो सब्सक्राइब कर दो, पहले प्रेस लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इस चेकबुक को पहले से मैंने इसको ओपन कर चुका है, फिर भी आपको यहाँ पे इसका अनबॉक्सिंग करके मैं दोबारा दिखला दे रहा हूँ। मैं सब कुछ यहाँ एक हाथ से करने वाला हूँ, यहाँ पर एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुआ हूँ, एक हाथ से मैं यहाँ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। चलिए आपको दिखा दे किस तरह से अनबॉक्सिंग करना है, इस वीडियो आपको दिखाने। बैक साइड में आपको इस तरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। आपको फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन ICICI बैंक का माइन सेविंग अकाउंट का चेकबुक आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाए इसका। चलिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इस वीडियो पर पूरा बने रहिए। इसको यहाँ से मैं देखिए इसको ओपन कर लिया। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, इस तरह से इसको मैं बाहर यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। इसके देखिए इस तरह का आपके पास यहाँ ICICI बैंक का माइन सेविंग अकाउंट आपको दिखता नहीं मिलता है। इस तरह का आपके पास यहाँ पे चेक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए जिस एड्रेस पर मेरा एड्रेस यहाँ पे आपको शो करेगा, देखिए इस तरह का बैक सेट करेंगे तो आपके पास इस तरह का चेकबुक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। देखिए चलिए इसको मैं यहाँ पे से बाहर निकाल देता हूँ, इसको यहाँ से किस तरह से आपको चेकबुक देखने के लिए मिलता है। चलिए आपको मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, इसको मैं प्लास्टिक यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पे ICICI बैंक का ये मेरा चेकबुक का इस तरह का ऑप्शन आपको देखने के यहाँ पे मिलता है। अब चलते हैं इसका बैक साइड यहाँ पे देख लेता है। बैक साइड में यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर आपको यहाँ पे शो करिए, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इसका सॉल्व करवा सकते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ से वो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मिलता है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे चेकबुक सर्विस मिलता है, आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी मिलता है, नॉमिनी नेम रजिस्टर मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मेरा एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, इसका स्कैन करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं पलटा लेता हूँ यहाँ, चलिए इसको देखिए यहाँ पे बैक साइड में देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको चेकबुक में यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे फ्रंट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए इस तरह का आपको चेकबुक में ये आई मोबाइल ऐप का यहाँ लोगो दिया हुआ है ICICI बैंक में। चलिए इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ के इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके नाम से यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं उस इसका यहाँ पे आपको नाम डालना है, उसका यहाँ पे शब्दों में आपको रुपये डालना है, यहाँ पे आपको देखिए अदा करें, यहाँ पे इसका अमाउंट डालना है, जिस डेट को आप इसका करना चाहते हैं चेकबुक यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे इसका डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो मेरा ICICI की ब्रांच है वो मेरा अररिया ब्रांच है ICICI बैंक का, ये एड्रेस वहाँ पे दे दिया है बैंक का। ये पिन कोड यहाँ IFSC कोड इसमें देखने को मिलता है, मेरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए इस तरह का आपको ICICI बैंक के चेकबुक में आपको देखने के लिए बहुत सारा फ्यूचर आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और साइड में देखेंगे यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आपको यहाँ स्कैन करके पूरा क्यूआर की पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके नाम से चेक कटेंगे इसका यहाँ पे यहाँ पे जिसको पे करेंगे उसको यहाँ पे इसका वो लिखना पड़ेगा, यहाँ रुपये इसके लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अदा करिए जितना करना वो यहाँ पे आपको भरना है, और इसका डेट तारीख लिखना जिस डेट को करना चाहते हैं। देखिए इसी तरह का हर पेज में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको देखिए बेनिफिशरी अकाउंट नंबर है, आप जिसके नाम से बेनिफिशरी कहा जाते हैं उसका अकाउंट नंबर आपको डालना है, बेनिफिशरी आपको यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पर आपको देखिए उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है जिसका यहाँ पे करेंगे इसको, इसका यहाँ पूरा डिटेल्स इसका यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, तभी ये चेकबुक आप कट पाएंगे। और भी देखेंगे इसी तरह का ऑप्शन आपको सारे चीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए पूरे पेज में इसी तरह का ये इसलिए होता है, आपको जब भी किसी तरह का आप लोन लेंगे कुछ भी करेंगे तो ये चेकबुक आपके समय आएगा, वहाँ पर आप इंस्टेंट लोन भी ले सकते हो। वहाँ पर देखें यहाँ पर दिखाया है, यहाँ देखें सेविंग अकाउंट मेरा चेकबुक यहाँ से। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ लोगो, ये बैंक का है, किस तरह का बहुत ही बेस्ट ये लोगो लग रहा है ये देखने का ICICI बैंक का, ये अच्छा बहुत अच्छा से बहुत सर्विसेज ये कंपनी ये प्रोवाइड कराती है। ये आपको देखिए यहाँ पे बैक साइड में करेंगे तो यहाँ पे बैक साइड में इसी तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशरी अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, बेनिफिशरी नेम यहाँ पे बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तभी यहाँ से चेक उसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन देखेंगे इसी तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। देखिए पूरे चेकबुक में इसी तरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए इस तरह से आप ICICI माइन सेविंग अकाउंट का चेकबुक अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ICICI बैंक का माइन सेविंग अकाउंट का चेकबुक अनबॉक्सिंग करके देखे हैं। अगर ये वीडियो को पसंद हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।